दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपके लिए एक ऐसी कंपनी से जुड़ी जानकारी लेके आई है जिसको आपको 20 अप्रैल से पहले यह स्टॉक आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होना चाहिए, क्योंकि इस स्टॉक में हमें अच्छी खासी अपसाइड की रैली देखने को मिल सकती है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको एंजेवन एप्लीकेशन पर आना है और आपको यहाँ पर वॉचलिस्ट पर क्लिक करना है। जैसे कि मैं वॉचलिस्ट पर क्लिक करता हूँ, मैंने उसकी कंपनी को अपने मार्केट वॉच में ऐड करके रखा है। इस कंपनी का नाम है साइंट या NSE और BSE दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट है। इस कंपनी में 20 अप्रैल के दिन क्वार्टरली रिजल्ट का अनाउंसमेंट आता हुआ नजर आएगा। रिजल्ट के लिहाज से यह स्टॉक काफी ज्यादा फोकस में रहने वाला है और जैसे ही कंपनी में रिजल्ट आते हैं तो स्टॉक में हमें अपसाइड की रैली भी बनते हुए देखने को मिलती है। अब हम यहाँ पे जो कंपनी की बात कर रहे हैं, इसका हम चार्ट का एनालाइज करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम चार्ट पे क्लिक करते हैं। तो चार्ट में हम जैसे क्लिक करते हैं तो चार्ट में आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल का आइडिया मिलता है। जैसे कि कंपनी का काफी शानदार रिजल्ट का चार्ट बनते हुए नजर आ रहा है, मतलब कि अगर इतना शानदार कंपनी का चार्ट है तो हो सकता है इसके हमें पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिले। और अगर कंपनी के पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं तो स्टॉक में हमें सोने पे सुहागा वाली कहावत यहाँ पे साबित होती है और स्टॉक में हमें अच्छे खासे अपसाइड के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यह स्टॉक हमें 1100 से लेके 1150 तक अपसाइड भी हमें दिखा सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसके सपोर्ट की बात करते हैं कि स्टॉक को थोड़ा हम लार्ज कर लेते हैं और इसका सपोर्ट की बात करते हैं तो स्टॉक जिस प्रकार से ट्रेड कर रहा है इसके लिहाज से अभी ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे बना हुआ है। अगर रेजिस्टेंस को ये स्टॉक होल्ड कर लेता है तो हमें इसके अंदर अपसाइड के लेवल तो देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक नहीं कर पाता है और नीचे स्लिप होता है तो यहाँ पे हमें 1050 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ जो कि LME इंडिकेटर का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है तो हमें इस स्टॉक में 1000 तक के लेवल भी हमें देखने को मिल सकते हैं और यहाँ पे MACD में भी हमें यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो इस लिहाज से अगर स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं रिजल्ट के चलते तो आपको यहाँ बाय की बटन देखने को मिलती है। इस बटन पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ऑर्डर विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पर मैं जितनी क्वांटिटी लेना चाहता हूँ उतनी क्वांटिटी मेंशन करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे 10 क्वांटिटी के लिए ऑर्डर लगाना चाहता हूँ तो मैं 10 टाइप करूँगा और यहाँ पे जो मुझे मार्जिन लगने वाला है इस अमाउंट के साथ में ये 10,817 रुपीज़ लगेगा और मेरा अकाउंट एंजेवन में होने के कारण मुझे यहाँ पे एंजेवन की ओर से 3x का मार्जिन मिलेगा। इसे मैं यहाँ पे इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करता हूँ तो जहाँ पे मुझे 10,000 प्लस का मार्जिन लग रहा था अब मुझे ओनली 3,277 में ही यह 10 स्टॉक बाय हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे बाय ऑप्शन पर क्लिक करके अपना ऑर्डर को कन्फर्म करूँगा। अपना ऑर्डर लगाने के लिए अब भी मार्केट बंद है, इसे मेरा ऑर्डर जो है आफ्टर मार्केट लगेगा। यस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, मेरा ऑर्डर यहाँ पे लग जाता है। आपको देखने को मिलेगा कि मैंने जो ऑर्डर यहाँ पे पुट किया है ये ऑर्डर पेंडिंग में आ गया है। जैसे ही कल मार्केट ओपन होगा और ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो मुझे यह पोजीशन में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अगर आप इस चार्ट का फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं तो चार्ट के स्टॉक के ऊपर क्लिक करना है। आपको स्टॉक डिटेल पे जाना है और स्टॉक डिटेल पे जाने के बाद आपको फंडामेंटल पे क्लिक करना है। फंडामेंटल पे क्लिक करने के बाद आपको पता चलता है कि यह कंपनी एक IT सेक्टर से बिलोंग करती है। इस कंपनी का मार्केट कैपिटल 11,960 करोड़ का है। 1 ईयर में इस कंपनी ने 21% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, अपने सेक्टर में इसे -16% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। इसके साथ ही एक इसे फंडामेंटल रेशियो पर एक नज़र डालते हैं तो यह कंपनी का जो PE रेशियो है प्राइस टू बुक वैल्यू है ये पॉजिटिव है और साथ ही हम डिविडेंड यील्ड पे एक नज़र डालते हैं तो कंपनी की 2.22% की डिविडेंड यील्ड है। अगर मान लो कंपनी रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट करती है तो इस कंपनी में हमें अच्छे खासे डिविडेंड भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक नज़र डालते हैं तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि प्रमोटर की होल्डिंग FIIs की होल्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी अदर DIIs नॉन इंस्टीट्यूशन में अपनी कितनी होल्डिंग बढ़ाई घटाई है ये सारी जानकारी आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों देखा आपने कि कितना ईजी कितना आसान है एंजेवन एप्लीकेशन में चार्ट का एनालिसिस करना और यहाँ से बेहतर सर्विसेज का फायदा लेना। अगर आपने अभी तक के अपना डीमैट अकाउंट एंजेवन में ओपन नहीं किया है तो हमें फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा कर रखी है। अगर आप हमारे लिंक के माध्यम से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन होगा। साथ ही आपका 1 ईयर का MC charges फ्री मिलने वाला है और बेहतर फ्री ऑफर्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उन ऑफर्स का फायदा बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। तो इस ऑफर की अपॉर्चुनिटी के लिए आप आज ही अपना डीमैट अकाउंट एंजेवन के साथ ओपन करें और अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।